सो हे गाइज वेलकम बैक टू रोहितन सोनी ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइज मॉर्निंग से, वो भी अपने घर से, रामनगर से। गाइज फिलहाल आपको पता है कि मैं घर पहुंच चुका हूँ, आपने ब्लॉग देख लिया होगा। कल पापा ने मम्मी को प्रपोज किया था, वो भी 26 साल पहले किया था, फिर 26 साल बाद किया। अभी देखिए पापा हीरो बन के आ चुके हैं, पापा को जाना है ड्यूटी और यहाँ पर ताऊ बैठे हैं। गाइज ताऊ थोड़े ना पापा के बड़े भाई है, बट ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब, तो ये हमारे साथ ही रहते हैं क्योंकि इनकी शादी वादी कुछ हुई नहीं, तो हम ही इनके बच्चे जैसे हैं और यही हमारे बड़े पापा जैसे हैं। और फिलहाल यहाँ मम्मी तो काम वाम में लगी हुई है। मम्मी क्या है, सिम्मल सब्जी बनती है ना, सिम्मल की सब्जी बनती है। अब मैं इसको बना रही हूँ चूरन, चूरन पका के। एक से एक नेक्स्ट लेवल के सेफ है हमारे, वहाँ कुछ भी बना देते हैं किसी भी चीज़ का। और लक्कू का एग्जाम है 1 बजे से, तो ये पढ़ाई कर रहा है। काय का एग्जाम है आज, हिंदी। चल पढ़ पढ़। सो गाइस हम मैं आपको चेक कराता हूँ, जो हमने बिल्ली पाली थी ना उसके बच्चे हो गए थे। जब फर्स्ट टाइम मैं घर पर आया था प्रेगनेंट थी, बट अब मैं आ चुका हूँ देहरादून से वापसी घर, तो उसके बच्चे हो चुके हैं। 5 बच्चे गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, ये चेक करिए। 1, 2 इनको हमने कैरेट के अंदर रखा है, इसमें कपड़े हैं ताकि ठंड का टाइम चल रहा था ना, अगर ये बाहर रहते तो मर जाते। तो गाइस ये चेक करो, इतने छोटे छोटे से हैं। हेलो, आजा। 2 ये देखिए, 1, 2 और एक मम्मी के पास है गाइस, ये मम्मी के पास है ये वाला। 3 अभी इनका नाम वाम क्या रखा है मम्मी, इनका नामकरण नहीं हुआ है। नहीं हुआ है इनको, 1 महीना हो गया अभी आए हुए और अभी तक नामकरण नहीं हो रखा है। जब बड़े हो जाएंगे तब नामकरण होगा। ये इनकी मम्मी, 2 यहाँ है गाइस, ये देखिए ये हो रखे वाइट वाइट से। हेलो हेलो हेलो, भाग गए भाई, ये तो कैमरा शाये हैं, कैमरा देख के भाग जा रहे हैं। हेलो, इनकी मम्मी आ जा रही बार बार, इनकी मम्मी सोच रही है मैं इसे मारूंगा। अबे नहीं मार रहा हूँ तेरे बच्चे को, आजा। सो गाइस अब मैं नहा लेता हूँ क्योंकि खाना वाना बन चुका है, फिर नहा के कुछ सोचते हैं। हर बार घर आता हूँ तो सोचता हूँ ये करूँगा वो करूँगा, बट ना मौसम साथ नहीं देता। इस बार होप्स होगी मौसम सही रहे, क्योंकि पिछली बार ही बारिश आ गई थी, उससे पिछली बार ही बारिश आ गई थी, बट इस बार सही लग रहा है मुझे। बट गर्मी का टाइम आ गया तो दिन में ज़्यादा बाहर कहीं जा नहीं सकते। सो गाइस फाइनली खाना वाना सब तैयार है और चटाई में यहाँ पर खाना रख दिया। ये तो मेरा खाना, अभी मम्मी लोग भी आ रहे हैं। और यही सुबह मम्मी जो सब्जी काट रही थी जंगली सब्जी, तो अभी बन चुकी है चूल्हे बना रखे बढ़िया करके। तो फिलहाल व्लॉग मैंने अपलोड लगा दिया है, तो अभी 48% हो चुका है। तो सुबह से ना पूरा टाइम व्लॉग एडिट और अपलोड करने में लग जाता है। और एक तो है नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, कमरे में मैंने जियो फाइबर लगा रखा है, बट यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है, मुझे डबल रिचार्ज करना पड़ता है, एंड देट इज़ टू मच गाइज। अगर महीने का ऐड कर लो तो फिर 1000 से ऊपर ही हो जाता है पूरा। लेकिन अभी खाना खाते हैं जल्दी से। सो गाइज खाना खुना खा लिया है और हमारे साथ एक प्रैंक हो गया है। रोज हम लोग दूसरे के साथ प्रैंक करते, कभी लोग हमारे साथ करते, आज हमारे साथ चिड़िया ने प्रैंक कर दिया। खुले आसमान में खाना खाने का नतीजा गाइज, मम्मी को उसमें चिड़िया ने पॉटी कर दी गाइज। खाना वाना सबने खा लिया है, यहाँ चिड़िया पॉटी कर दी है। ओ भाई आपसे एक चीज की सीख ले लो, खुले आसमान में खाना मत खाना, क्या पता प्लेट में कर देती, बट चिड़िया समझदार थी, कपड़ों में ही किया है। सो गाइस खाना पीना तो खा लिया था और घर में सब लोग सो रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड आ रखा है मिलने के लिए। आशीष भाई खास क्यों रहा है भाई, तबीयत खराब हो रही क्या? हेलो तो करते भाई, इतने टाइम बाद मिल रहा है, गले मिलेगा क्या सीधे? तो गाइस इसका निकनेम मोटा है। गाइस कमेंट में ना मोटे के लिए हार्ट ड्रॉप कर देना। और सो गाइस अब निकलते हैं बाहर क्योंकि दोस्त आ चुका है। और चल बेस्ट ऑफ लक, 1 बजे से पेपर अच्छे से दियो, ठीक है? ओके बाय। तो देखते हैं भाई कहाँ जाते हैं आज हम, अपनी धन्नो तो ये खड़ी है बट हम इसकी धन्नो में जाएंगे। सो गाइस अभी हम फॉरेस्ट के अंदर ही है, जहाँ हम रहते हैं ना ये पूरा फॉरेस्ट कंपाउंड का एरिया है। और बचपन में ना हम इन झूलों में झूला करते थे, ये झूले इसको चढ़ के अभी दिखाऊंगा आपको अच्छे से। और ये वाली ट्रॉली ना आज से इसको 15-20 साल हो गए हैं, जब हम छोटे से तब से यहीं पर है। और हम ना यहाँ बैठा करते थे और सारे दोस्त लोग पीछे बैठा करते थे, यहाँ मैं बैठता था तो यहाँ पर स्टेयरिंग है, तो हम इसमें खेलते थे। पूरी लोहे की गाड़ी गाइस, ये रोलर टाइप का, ये हिलता तक नहीं है। सो गाइस ये है पूरा बरगद का पेड़, यहाँ पर ना 1, 2 बहुत सारे बरगद के पेड़ हैं, 3, 4, 5, और इनमें बेलें गिरी हुई है, तो इसको पकड़ के हम झूला करते थे इसमें। और अभी तो फिलहाल यहाँ पर नई जनरेशन के लिए यहाँ पर झूले वूले बना दिए, बट उस समय हम इन्हीं झूलों में झूला करते थे। सो गाइस यहाँ पर चल रही है पेंटिंग और आर्टिस्ट है हमारे अंकल जी, अंकल जी ने काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना रखी है यहाँ पर। ये है क्या अंकल, ये कौन सी बर्ड है? ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल, अच्छा हिंदी में धनेश बोलते हैं, हिंदी में धनेश, अच्छा। और ये वाली कौन सी है? कॉमन ग्रीन मैगपाई। मेरे को तो इतने खतरनाक नाम है, मेरे को इंसान के नाम ही याद ही नहीं होते, ये तो बर्ड के नाम है फिर तो। ये आजकल ना फॉरेस्ट कंपाउंड में ये सब आर्ट वगैरह चल रही है और अंकल काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग करते हैं। इधर भी है, इधर तो डियर है और इधर टाइगर है गाइस। सो गाइस अभी हम आए थे आशीष के वहाँ, मतलब मोटा गाइस, जब भी मैं आशीष बोलूँगा मोटा बोलूँगा, एक ही बंदा है ठीक है वो। तो इसने भाई जूस बना रखा है। क्या क्यों करता है, शेयर करते है? कोई बात नहीं भाई, तेरी अलग ही फैन फॉलोइंग है भाई। तो गाइस इसने पिला रहा है हमें ऑर्गेनिक जूस बिल्कुल, इसमें बीट है, कैरेट है और इसमें लेमन है और कुछ हर्ब्स हैं इसमें, तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। भाई मेरे हेल्थ का बहुत ध्यान रखता है गाइस, तभी तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। वैसे मेरे से छोटा है लेकिन अब मैंने इसे अपना दोस्त बना लिया है, छोटा नहीं है तो मेरे से।
पीले भी नहीं कह रहा मुझसे, अपना पिए जा रहा है। सो गाइस जूस वूस पी लिया है, अब मैं मोटे को कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। इसने मुझे जूस पिलाया तो मैं एहसान नहीं रखता गाइस, अब मैं इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, ठीक है मोटे। और ये देखिए यहाँ ना भाई देहरादून में इतना ठंडा हो रहा है अभी भी, और यहाँ गर्मी शुरू हो गई है। देखो हवाई चल रही है, इतने सारे पत्ते गिर रहे हैं नीचे, और यहाँ पर भी पूरा फॉरेस्ट है भाई। रामनगर ना कॉर्बेट के लिए फेमस है, और हर जगह जंगल है यहाँ पर, हम तो रहते ही कंपाउंड के अंदर है। तो भाई सब निकलते हैं दोबारा, चैन नहीं है हमें बिल्कुल भी। सो गाइस जस्ट नाउ वी आर इन द वे ऑफ क्यारी गाँव। ये रास्ता ना पूरा क्यारी गाँव को जाता है, और ये रास्ता रामनगर से आ रहा है, और यहाँ पर ना पूरा चारों तरफ जंगल जंगल है। इधर रुकना सख्त मना है गाइस, क्योंकि अगर आप यहाँ रुकते हुए पाए गए और किसी ने आपको पकड़ लिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू बिकॉज द एरिया इज़ वेरी डेंजरस। यहाँ पर टाइगर और एलिफेंट कुछ भी, मतलब कोई भी जानवर का खतरा है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा सांप भी देखे जाते हैं। और यही रास्ता आगे को हमें कोटाबाग की तरफ को भी ले जाता है, बट मोटे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है क्योंकि मेरे को भी डर लग रहा है, ज़्यादा देर में यहाँ रुक नहीं सकता, सीधे चलते हैं क्यारी गाँव में। और क्यारी गाँव में ना बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टे करने के लिए, तो सीधे मिलते हैं आपसे क्यारी गाँव। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं क्यारी गाँव, और आपको चेक कराता हूँ गाइस व्यू। ये चेक करिए गाइस, हम अभी रोकड़ में आ रखे हैं, मतलब हमारे यहाँ पहाड़ी में रोकड़ बोलते हैं, और इसमें पानी है। गर्मियों में ना पिछले साल हमने होली में ही नहाया, पिछली बार हमने होली खेली थी, फिर हम रामनगर से यहाँ नहाने आए थे, ऊपर गए थे हम ऊपर, क्योंकि इधर पानी थोड़ा कम था ना, यहाँ पर इन्होंने एक दीवार जैसी बना रखी है तो पानी थोड़ा रुक के आता है, ऊपर गहरा है थोड़ा सा। तो अभी मोटे को मैंने कोल्ड ड्रिंक दे दी यहाँ पर, ये चेक करिए गाइस थम्सअप। इसने मुझे बीट जूस पिलाया था ना, जो भी इसने मेरे ऊपर अभी एहसान किया था जूस पिला के, तो अब मैं कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हूँ इसे। बराबर हो गया मोटे, ठीक है भाई। सुन बोतल मुँह पर मत लगा देना, तेरे को मुँह पर लगाने की आदत है हर चीज़। सो गाइस चेक करिए गाइस हम कहाँ खड़े हो चुके हैं, हम खड़े हो चुके हैं बिल्कुल पानी के बीच में, यहाँ पर पानी बह रहा है, और यहाँ पर हमें गाइस यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर। तो गाइस कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली है, और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सुकून है भाई इन जंगलों के बीच में ना। तो ये देखिए गाइस यहाँ ना छोटी छोटी सी मछली भी है इसके अंदर, इट इज़ विजिबल और नॉट, बट पानी के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मछली है। सो गाइस फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अपनी स्कूटी पे, हमने यहीं पे पार्क करी थी, और हमने जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी ना वो इस बोतल को हम ले आए, और लेस का पैकेट भी इसी के अंदर है, तो हमने कूड़ा अपने साथ ले गए। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, निकलते हैं भाई, मुझे अकेले छोड़ के चले गया ये, देखो खतरनाक ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ पर स्कूटी से। अभी मेरे को भी तो ले जा, मुझे ऊपर ही आना पड़ेगा अब, क्योंकि ना यहाँ पर पत्थर बहुत है, तो पूरा भाई छोटे टायर होते हैं स्कूटी के, ऑफ रोडिंग में मज़ा नहीं आता, इसलिए बाइक वाइक होती तो अभी तक चले जाती, बट ये चले गया, मुझे दौड़ना पड़ेगा अब। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर, और मम्मी बना रही है चाउमीन स्नैक्स में, और ये देखिए यहाँ पर मम्मी है। सो गाइस ये बन चुकी है चाउमीन, ये शिमला मिर्च प्याज और गोभी काट के रख दी है। अभी ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले ना, कल पार्टी मांग रहे थे, तो उनके लिए भी चाउमीन बना देंगे। सो गाइस यहाँ पर मेरी चाउमीन आ चुकी है, और ये आशीष की चाउमीन है। सो गाइस चाउमीन फिनिश हो चुकी है, और सच में बहुत टेस्टी हो रही थी, ना ज़्यादा मिर्ची थी ना ज़्यादा मसाले थे, इट वॉज नॉर्मल। कल ये बच्चे बोल रहे थे जैसी माया देहरादून से, बोल रहे भैया बनके की पार्टी नहीं थी, सब लोग को चाउमीन दिया आज। मुझे जाना है सीधे मार्केट शॉपिंग करने, क्योंकि अब गर्मी का टाइम आ गया, तो मैंने काफी टाइम से कपड़े भी नहीं लिए, तो मम्मी ने पैसे दे रखे हैं, तो चलते हैं कुछ शर्ट और टी शर्ट वगैरह पसंद कर लेंगे। सो गाइस फाइनली शॉपिंग करके आ चुका हूँ मैं और मितांशु, गए थे ये रहा मितांशु गाइस। सो गाइस एक टी शर्ट मैंने ली है ब्लैक कलर की, थोड़ी प्रिंटेड है और थोड़ी पीसेस भी प्रिंटेड है, और एक शर्ट ले रखी है, तो वो दिखाते हैं पहन के। सो गाइस ये है शर्ट, और ये ले रखी है मैंने, और कलर बताना कैसा है। बाकी मेरे को तो पसंद आया, और मेरे से ज़्यादा पसंद तो मितांशु का आया। जब से ऑनलाइन का ट्रेंड आ रखा है ना, तो मैं ऑनलाइन कपड़े ले रहा हूँ, मेरे को दुकान में जाके मैं कंफ्यूज आ रहा हूँ कि भाई कौन सा पसंद आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, बट मितांशु को इसलिए ले गया था, तो उसने कलर वगैरह पसंद कर लिया। बच्चे बाहर बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं इसलिए हल्ला हल्ला काफ़ी आ रहा है, बट कपड़े पसंद आ गए, थोड़ा फिटिंग कराना है, नीचे से लेंथ लंबी है, तो चलते टेलर के यहाँ और फिटिंग करा के आते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मार्केट से, और कपड़े अपने सिलाने को दे दिए थे। अभी यहाँ पर सब्जी की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पनीर है, मटर है, प्याज है, बंद गोभी काट रखी है मम्मी ने, इसमें हरी सब्जी बना दी है भाई, इतना सारा आइटम बनता है खाने को। सो गाइस मम्मी यहाँ पर खाने बनाने की तैयारी कर रही है, सब्जी तो रख दी है गैस में, और यहाँ पर आटा गूंद रही है, और इसको चेक करो गाइस क्या हो गया भाई, भूख लग रही है, हैं मानू भूख लग रही है क्या आपको, अरे अपने बच्चे को तो खिलाया नहीं, सुबह से गायब है, बच्चे भूखे हैं,
सोई नहीं है आज, थी नहीं है घर पे, सोई रहती है। आज इसने अपने बच्चों को दूध ही नहीं पिला रखा सुबह से। हाँ बिल्कुल नहीं थी, अभी कुछ करूंगा गुस्सा भी आ जाएगा इसको, गंदी है ये, बैठ जा चुपचाप। सो गाइस डिनर बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए गाइस पनीर की सब्जी, हरी सब्जी और रोटी, रोटी में लगा है घी। गाइस चुम्मेश्वरी डिनर बन रखा है, तो अब रुका नहीं जा रहा, मैं जल्दी से डिनर करता हूँ। सो गाइस फिलहाल खाना पीना खा लिया और खाना सच में टेस्टी हो रहा था, तो अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। और कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि कल हमारे वहाँ होली का कलर लगना है, तो फिर मंदिर में कीर्तन भजन होंगे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें होंगी जो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। सो होप्स हो कि आपको आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस। फिर से मम्मी तैयार हो गई, आज कहाँ जा रहे हो गुजिया बनाने? चुप ना, दोस्त के वहाँ। आज कहाँ जा रहे हो गुजिया बनाने? कोटी उनके वहाँ। फिर जा रही है मम्मी गुजिया बनाने, और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक सो भाई 2:40 हो चुका है और मम्मी गुजिया बनाने जा रही है। अब देखना बताओ कब आएगी, शाम को 7 बजे तक आएगी मम्मी। दिन भर घर रहता है, इधर उधर रहता है जब। भाई मेरा तो काम है ना, मेरा काम इतना कुछ काम नहीं है। भाई व्लॉग कौन बना रहा है? तू बना रहा है? हम भी तो काम से जाते हैं। चलो जाओ यार, भाई इनसे बहस करना बेकार है, फाड़ के रख देंगे। चलो जाओ, तू भी जा, बाय बाय बाय।